आज हम बनाएंगे सत्तू से बनी दो तरह की ठंडी ठंडी लस्सी, एक मीठी और एक नमकीन, जो आपको ठंडक देने के साथ साथ आपकी एनर्जी को भी बूस्ट करेगी। हेलो एवरीवन, मैं हूं बबीता और मेरी हेल्दी गली किचन में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। तो सबसे पहले हम बनाते हैं सत्तू की मीठी लस्सी। इसके लिए यहाँ पर मैंने 1/3 कप फ्रेश दही लिया है, इसको मैं एक ब्लेंडर में डालूंगी। साथ में हम डालेंगे 1.5 टेबलस्पून सत्तू का पाउडर, 1 टेबलस्पून जैगरी का पाउडर, 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर, 1 पिंच जायफल का पाउडर लिया है और 1/4 टीस्पून ही मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया है। अब इसमें हम 3/4 कप ठंडा पानी ऐड करेंगे और ब्लेंडर का ढक्कन बंद करके हम इसको कुछ सेकंड्स के लिए ब्लेंड कर लेंगे। तो देखिए, हमारी सत्तू की मीठी लस्सी एकदम तैयार है। अब हम इसको एक ग्लास में सर्व कर लेते हैं। ग्लास में आप थोड़े से आइस क्यूब डाल लीजिए और ऊपर से ये ठंडी ठंडी लस्सी इसमें पोर कर दीजिए। आप गर्मियों में सत्तू को जरूर अपनी डाइट में इंक्लूड करें। ये ना केवल हमें गर्मी से बचाता है बल्कि हमारा डाइजेशन भी इम्प्रूव करता है और हमारी एनर्जी लेवल को भी बढ़ाता है। अब हम बनाएंगे सत्तू की नमकीन लस्सी। इसके लिए मैंने यहाँ पे 1/3 कप फ्रेश दही लिया है, साथ में 1.5 टेबलस्पून मैंने सत्तू का पाउडर लिया है, 1/4 टीस्पून काला नमक, 1/2 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून अमचूर का पाउडर और कुछ फ्रेश पुदीने के पत्ते लिए हैं। अब इसमें हम 3/4 कप ठंडा पानी ऐड करेंगे और ब्लेंडर का ढक्कन लगाकर कुछ सेकंड्स के लिए इसको ब्लेंड कर लेंगे। तो लीजिए, तैयार है हमारी सत्तू की नमकीन वाली लस्सी और आप इसको ठंडा ठंडा सर्व करें। एक ग्लास में कुछ आइस क्यूब्स डालकर हम ये लस्सी उसमें डालेंगे और उसको ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों तरह की लस्सी बहुत पसंद आई होंगी। आप भी इन्हें जरूर ट्राई करके देखें और अपना फीडबैक मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई इजी और हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।